आबकारी विभाग द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के नगरासु की उप दुकान ग्राम पंचायत जग्गी कांडाई में खोले जाने पर दशचूला क्षेत्र की महिला मंगल दल, नवयुवक मंगल दल और समस्त जनता का विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां बीते दो सप्ताह से जारी शराब की दुकान का विरोध और जन आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। जग्गी कांडाई के ग्राम प्रधान देवेंद्र सिंह जग्गी ने बताया कि शराब की दुकान खुलने का पुरजोर विरोध किया जाएगा जब तक ये निर्णय आबकारी विभाग वापस नहीं ले लेता। उन्होंने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है कि वह दशचूला क्षेत्र की अनदेखी करती रही है। शराब की दुकान खोलकर सरकार यहां के युवाओं को बर्बाद करना चाहती है। जल्द शराब की दुकान को निरस्त नहीं किया जाता तो जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। नगरासू की उप दुकान यह हमारे जग्गी का नई ग्रामीण क्षेत्र में खुल रही है, जिसके लिए सारे महिला मंगल दल, सारे ग्रामीण नवयुवक इसका घोर विरोध करते हैं। सरकार की मंशा ग्रामीण क्षेत्रों को विकास देने के बजाय विनाश की ओर बढ़ा रही है, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। दशचूला के अंदर हमेशा शासन प्रशासन उपेक्षा करती आ रही है और शराब की दुकान के लिए जग्गी कांडाई में उप दुकान स्वीकृत करके इन्होंने क्षेत्र के हितों की अनदेखी की है। हमारा सरकार से यह आग्रह है कि अगर तुरंत इस शराब की दुकान को निरस्त नहीं किया जाता है तो जनता उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। वहीं बीते दिनों दशचूला क्षेत्र की महिलाओं द्वारा जुलूस निकालकर जग्गी कांडाई में खुल रही शराब की दुकान का पुरजोर विरोध किया गया। महिलाओं ने कहा कि राज्य सरकार दशचूला क्षेत्र को जोड़ने वाली 2 किलोमीटर मोटर मार्ग लिंक को अभी तक नहीं बना पाई है। शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए यहां के ग्रामीणों को दर दर भटकना पड़ रहा है। शराब की दुकान खोलकर सरकार युवाओं के भविष्य को अंधकार की ओर धकेलना चाहती है। महिलाओं ने सरकार को चेताया है कि वह किसी भी हालत में अपने परिवार और बच्चों को बर्बाद नहीं होने देंगे। इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। हमारे क्षेत्र में जो शराब की दुकान खुल रही है, यह हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। शासन प्रशासन का हमारे क्षेत्र के लिए विकास की तरफ तो कोई ध्यान नहीं है, लेकिन शराब की दुकान के लिए उन्होंने कैसे मंजूरी दे दी। अगर यही मंजूरी वो सड़क के लिए, जो सड़क मात्र 2 किलोमीटर मिलने पर रुकी हुई है, उसके लिए दे देते, या फिर स्कूलों में इंटर कॉलेजों में शिक्षक नहीं है, या फिर कई सारी समस्याएं हैं हमारे क्षेत्र में, बेरोजगार युवा है, अगर इन चीजों पर शासन का ध्यान होता, प्रशासन का ध्यान होता तो शायद हमारे क्षेत्र की भी उन्नति होती, हमारा क्षेत्र भी आगे बढ़ता। लेकिन शासन का इस तरफ ध्यान न हो करके यहाँ पर शराब की दुकान देना, यानी कि शासन यह चाहता है कि हमारे क्षेत्र की उन्नति न हो, हमारे क्षेत्र का विकास न हो, विनाश की तरफ हमारे क्षेत्र को ले जाया जा रहा है। चाहते कि हमारे क्षेत्र में कोई शराब की दुकान नहीं खुलनी चाहिए, कुछ अच्छा काम करो हमारे क्षेत्र में, कोई और चीज खोलो। इस शराब की दुकान से क्या होगा, हमारे बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। क्षेत्र में शराब की दुकान खुलेगी तो हम सभी मंगल महिला मंगल दल इसका विरोध करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। मैं महिला मंगल दल अध्यक्ष ग्राम जरवाड़ से कुसुम राणा। विकास के नाम पर शासन प्रशासन हमारे दशचूला क्षेत्र की हमेशा उपेक्षा करते आया है और दारों का ठेका एकदम से स्वीकृत कर दी गया है। हमारी आने वाली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, हम महिलाओं के जीवन नर्क हो जाएगा। मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, जो ये दारू का ठेका स्वीकृत हो रखा है, अगर ये निरस्त नहीं हुआ तो हमारे दशचूला क्षेत्र की पूरी महिला मंगल दल उग्र आंदोलन होगा और हम महिलाएं अपना आत्महत्या कर देंगे, पर अपना दशचूला क्षेत्र के अंतर्गत इस ठेका को नहीं खुलाने देंगे। क्योंकि देखो, अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम गांव में महिलाएं अपना जीवन व्यापन कर रही हैं। देखो, गांव से सारे लोग बाहर पलायन हो चुके हैं, जो महिलाएं गांव में हैं वो महिलाएं अपनी संस्कृति को अभी जिंदा रख रही है, अपने संस्कृति को चला रही हैं। अगर ये दारों का ठेका यहाँ पे खुल गया तो महिलाएं कुछ भी कर सकती हैं। हमारा एक छोटा सा क्षेत्र है, यहाँ पे शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है और हम लोग अभी भी यहाँ पे
हमारा क्षेत्र में अभी शुद्ध वातावरण और शांतिपूर्ण माहौल है। हमारी जो भी महिलाएं यहाँ गांव में रहती हैं तो अभी लोग अपना जीवन को व्यापन खुशी खुशी कर रहे हैं। अगर हमारे क्षेत्र में ये अशांति फैली गई तो हम महिलाएं चाहे पीछे नहीं हटेंगे, चाहे अपना जीवन हमें बर्बाद करना होगा, अपने ज़िंदगी को हमें नष्ट करना होगा। अगर सरकार ने ये दारों का ठेका निरस्त नहीं किया तो मैं सरकार से यही अपील करती हूँ, अगर महिलाओं ने कुछ भी कर दिया तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन होगी। गौरतलब है कि एक और राज्य सरकार नशा मुक्ति का अभियान चलाकर युवाओं के भविष्य को सुनहरा बनाने का दावा करती है, वहीं गांव-गांव में शराब की दुकान खोलकर युवाओं को नशे की ओर धकेल रही है, जिससे लोगों के घरों में कलह के साथ साथ समाज में बेमनियस्ता फैल रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उत्तराखंड के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य के उपकेंद्र, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वरोजगार प्रशिक्षण, सड़क कनेक्टिविटी देने के बजाय शराब के ठेके खुलेंगे तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड का भविष्य अंधकारमय होगा। भानु प्रकाश नेगी, हिमाचल प्रदेश न्यूज, देहरादून।